हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्वच्छ के स्टील वाटर प्यूरिफायर के बारे में। ये एडवांस UHF टेक्नोलॉजी का आता है, जिसमें आपको पूरा पानी जो भी है वो बिल्कुल स्वच्छ और पीने लायक मिलेगा। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, वहां पे आप ये टाटा स्वच्छ का स्टेनलेस स्टील प्यूरिफायर ले सकते हैं। काफी लोग को इसमें यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्योंकि इस टाइप का प्यूरिफायर हम बहुत पहले ट्रेडिशनल वे में यूज करते थे, आज से 10 से 15 साल पहले, जिसमें मिट्टी की कार्टेज लगती थी। बट यहाँ पे आपको एडवांस कार्टेज के साथ मिलता है, जिसमें एडवांस UHF टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी मैं आपको बता दूं, इसमें अच्छी तरीके से फिल्ट्रेशन होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर इस कार्टेज की लाइफ की बात करी जाए, जो 6000 लीटर ये प्यूरिफाई करती है, उसी के साथ साथ पहले इसको हम अनबॉक्स करेंगे, फिर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको जानकारी देंगे, जिससे घर के लिए आप प्यूरिफायर परचेज करने से पहले एक ढंग की जानकारी ले सकें। तो चलिए सबसे पहले इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। तो यहाँ पे इसकी देखिए बॉक्स पैकेजिंग इस टाइप की दी है। अगर हम इसके लीटर या कैपेसिटी की बात करते हैं, तो ये आता है ऊपर नीचे, अगर दोनों कंटेनर्स की कैपेसिटी की बात करी जाए, तो 10+10 20 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ ये फिल्टर आपको मिलता है। अब यहाँ पे इस फिल्टर में क्या क्या चीजें मिलेंगी, एक एक करके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले इसकी ये ऊपर की कैप मिलेगी, जो कि 100% स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं, टाटा जैसी कंपनी की है, तो स्टील की क्वालिटी के बारे में आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि देश के अगर सबसे बड़ा लोहार है तो वो है टाटा। और ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेनलेस स्टील जो दिया हुआ है, काफी अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही ज्यादा एडवांस सोच करी है टाटा ने। तो यहां पे मैं आपको बात बता दूं, टाटा स्वच्छ का ये फिल्टर जो आपको सामने दिख रहा है, देखिए यहां पे टाटा स्वच्छ की मार्किंग भी मिल जाती है। स्टील वाटर प्यूरिफायर अंदर की तरफ से कहीं भी जोड़ या जॉइंट नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो आपको मिलता है फिल्टर, ये अपर पार्ट होता है। जहां पे भी आपको यहां पे बल्ज मिलेगा, इसका मतलब ये है ये अपर पार्ट है, जिसमें टाटा स्वच्छ स्टील वाटर प्यूरिफायर दिया है। इसको भी जरा आपके सामने साइड में रख देते हैं। इसके बाद निकाल लेते हैं इसकी कार्टेज। यहां पे कंप्लीट एक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इसकी फिल्ट्रेशन किट है, इसका टैप है और भी बहुत सारी चीजें। तो जल्दी से इसको यहां पे रख देते हैं और दिखा देते हैं आपको कंप्लीट जो नीचे का बेस होता है। तो यहां पे टाटा स्वच्छ कंप्लीट इस तरीके से आपको हर चीज देखने को मिलेगी। तो जरा इसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं और अब समय आता है इसको दिखाने का, इसको इंस्टॉल करने का, साथ ही साथ इस प्यूरिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल बताने का। अब जैसे कि यहां पे आप टाटा स्वच्छ देख रहे हैं, अब इसके जो कंटेनर्स आपको मिल जाते हैं, ये 100% स्टील के मिलते हैं। और जैसे समय समय पे जो प्लास्टिक के फिल्टर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, नीचे मैग्नीशियम या और भी कोई दूसरे मेटल्स यहां पे जम जाते हैं। बट यहां पे ये इश्यूज नहीं आएगा, क्योंकि स्टील को खूब रगड़ के खूब अच्छे से वॉश कर सकते हैं, एजिंग नहीं होती है, जो प्लास्टिक में एक समय के बाद हो जाती है। प्लास्टिक के फिल्टर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है, एक समय के बाद उसमें बहुत ही ज्यादा अजीब सा कलर और पीने का मन नहीं करता, लगता है कि अब प्यूरिफायर का समय हो गया उसको बदलने की। बट यहां पे अगर मैं टाटा स्वच्छ की बात करता हूं और स्पेशली इस फिल्टर की बात करता हूं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें इतनी एडवांस इन्होंने बात सोची है कि यहां पे आपको दे दिया है एडवांस फिल्टर के साथ टाटा स्वच्छ का कंप्लीट फिल्टर। और ये जो है, ये आप मैं कह सकता हूं ग्रेविटी फिल्टर है, इसका पानी पीने के बाद बाहर का पानी नुकसान नहीं करेगा। जैसे कि देखा गया है कि आरओ में मिनरल डैमेज हो जाते हैं, वो इश्यूज इसमें नहीं आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद आपको और भी चीजें डिटेल में बताते हैं। तो जल्दी से पहले इसको यहां से अनबॉक्स कर लेते हैं। इस बॉक्स पैकेजिंग में हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी और कंप्लीट डिटेल दूंगा इस प्यूरिफायर के बारे में आपको। तो यहां पे टाटा स्वच्छ यूजर मैनुअल दी हुई है। यूजर मैनुअल बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो कार्टेज की लाइफ होती है 1.5 इयर्स होती है। मतलब अगर आप इसका 6000 लीटर 1.5 साल में नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, तो आप अपनी ही तरह से 1.5 साल के बाद 1.5 इयर्स के बाद इसकी कार्टेज को बदल दीजिएगा। कार्टेज बदलना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा ईजी है, जिसको अभी आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। और फिल्ट्रेशन होता है 6000 लीटर, मतलब जनरल प्यूरिफायर्स में 3000 तक होता है, बट इसमें आपको 6000 फिल्ट्रेशन मिल जाता है। और चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे एक ऊपर आपको ये लिड देखने को मिलती है, ये लिड का कवर है। जैसे कि इसको अगर आपको कभी भी लगाना है, इंस्टॉल करना है, तो मैं बताता हूं। बट यहां पे देखिए, ये जो अपर पार्ट है, उसमें ये इजीली इस तरीके से लग जाएगा। और इसके ऊपर एक आता है आपको ये, इसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट फिल्टर, मोटा कूड़ा रोकने के लिए होता है। समय समय पे, जैसे कि 3 महीने 4 महीने में, इसको ऐसे उल्टा करके इजिली ब्रश से आप क्लीन कर सकते हैं। ये सिर्फ इसका पर्पज ये होता है, ये सेडिमेंट फिल्टर होता है, मोटा कूड़ा रोकने के लिए, जो हैवी
डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इजिली, और इसको जब भी आपको लगाना है वो इस तरीके से आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और टाटा जैसी कंपनी का तो मुझे लगता है क्वालिटी को लेकर आपको कहीं भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये देखिए कि अगर फर्स्ट स्टेप की भी बात करी जाए तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें पहले हम फिल्ट्रेशन की कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक सिरिंज मिलती है, इसका भी यूज अभी आगे मैं बताऊंगा आखिर इसका यूज कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मिल जाता है, ये लॉक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इसकी भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी आपको बताने वाला हूँ, पहले एक एक करके सारे पार्ट्स आपको दिखा देता हूँ जिससे आपके लिए आसान हो जाए। ये कंप्लीट कार्टेज है जो कि सिंगल यहाँ पे कार्टेज आती है, और ये एडवांस कार्टेज है UHF टेक्नोलॉजी के साथ। ये केमिकल फ्री होती है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पे थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन की डिटेल आपको देनी थी, तो यहां पे बॉक्स पैकेजिंग आपके सामने ले आ जाता हूं। अब ये देखिए यहां पे मैंने आपको प्री फिल्टर मैश दे दिया है जो कि आपके मतलब बड़े पार्टिकल्स को फिल्टर करता है। उसके बाद जो इसका वाटर फिल्ट्रेशन यहां पे दिया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शनल अल्ट्रा हॉलो फाइबर्स यहां पे दिए हुए हैं जिसकी वजह से लगभग अच्छे खासे बैक्टीरिया वायरसेस यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं। साथ ही साथ ये वाली जो कार्टेज है ये 1.5 लीटर तक चलती है। जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है कि बैक्टीरिया वायरसेस एंड सिस्ट, ये सारी चीजें इसमें आपकी कम से कम जो भी आपका वाटर सोर्स है उससे निकल जाएंगे, और आपको मिलेगा 100% प्यूरिफाइड पानी जिसमें मिनरल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। और मैं आपको बिल्कुल एश्योरेंस दे सकता हूं कि ये फिल्ट्रेशन के बाद इसमें मिनरल डैमेज नहीं होंगे। साथ ही साथ जो आरओ में मिनरल डैमेज हो जाते थे जिसकी वजह से अगर आपने कल को कहीं और का पानी पिया तो वो आपको एकदम से बॉडी वो अडेप्ट नहीं कर पाती है और थोड़ा बहुत इश्यूज आ जाते हैं, तो वो इश्यूज इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं अगर ये वाला फिल्ट्रेशन अगर आप लेना चाहते हैं, फिल्टर लेना चाहते हैं, तो वो एक ग्रेविटी फिल्टर में एक काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं जितने भी इसके कंपटीटिव ब्रांड के बारे में बात करता हूं तो सबसे अच्छा बेनिफिट इसका आपको ये मिलता है कि ये स्टेनलेस स्टील बॉडी में है। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है जैसे प्यूरिट में क्लोरीन का यूज किया जाता है, बट ये 100% केमिकल फ्री है। और मैं आपको बता दूं ये 100% केमिकल फ्री के साथ साथ जो बाकी फिल्टर्स में आपको फिल्ट्रेशन का एक क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है लगभग मैक्सिमम 3,000-4,000 तक, बट इसमें आपको 6,000 मिलती है। प्राइसिंग की अगर आपको मैं बता दूं, रिफिल की जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत कम है, उसकी दो फिल्ट्रेशन लग जाएंगी बट इसकी एक फिल्ट्रेशन ही आपको मिलेगी। और इसमें हर एक मॉडल में, जैसे कि आपका पुराना वाटर फिल्टर भी है टाटा का, तो उसमें भी यही कार्टेज ही लगेगी। तो ये काफी अच्छी चीज दी हुई है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि काफी समय मैंने देखा है कि अगर आप प्यूरिट यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐसा यूज कर रहे हैं जिसका फिल्ट्रेशन कम होता है तो उसका रिफिल जो रेट होता है वो लगभग आपका एक तरीके से कहा जाए तो महीने, दो महीने या तीन महीने में चेंज करानी पड़ती है। हर दो महीने में आपको पानी के लिए भागना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको साल डेढ़ साल के लिए प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एक चीज का ध्यान रखना होगा, तो अब मैं आपको जरा ये फिल्टर ओपन करके दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको इसके बारे में डिटेल भी बताता हूँ। तो जल्दी से पहले इस फिल्टर को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं इनकी जो सिंगल कैपेसिटी है वो 10-10 लीटर के दो कंटेनर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको फिल्टर को हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको कंप्लीट डिटेल इसके बारे में बताते हैं। फिल्ट्रेशन की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी दी हुई है, और मैं आपको बता दूं ये कंप्लीट सील्ड पैक होता है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये इसका फिल्टर होता है, यहाँ पे इसका बैच नंबर भी दिया हुआ है, और ये कंप्लीट टाटा स्वच्छ का ही आता है जो कि आपको हर एक मॉडल में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इसमें दोनों तरफ से ये टेपिंग लगी हुई होती है, जब भी आप इसको यूज करेंगे इस टेप को यहाँ से रिमूव कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस टेप को यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा जो ऊपर का पोर्शन है, जैसे कि ऐसा पोर्शन जो कि आप ऊपर का है, यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से मार्किंग देखने को मिलेगी। कुछ नहीं करना है आपको, ये रिमूव करना है, इसको जरा साइड में यहाँ पे रख देते हैं, और ये जो दिया हुआ है लॉक, इसको ऊपर से यहाँ से लगाना है। देखिएगा यहाँ से इसको यहाँ से इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ से इसको निकाल लेंगे। देखिएगा कंप्लीट इंस्टॉलेशन भी मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपके लिए आसान रहे। ये निकाल देंगे और इसको लगा देंगे यहाँ से इस तरीके से, और लगाने के बाद थोड़ा पुश करके इसको घुमा देंगे, ये फिल्टर आपका कंप्लीट इंस्टॉल हो गया बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे टाटा स्वच्छ कंप्लीट आपका एक फिल्टर इंस्टॉल हो गया। ऊपर हमने सेडिमेंट फिल्टर भी लगा रखा था जिसको अभी हम इसके ऊपर यहाँ पे रख देंगे।
अब ये देखिए आपका ये फिल्ट्रेशन पूरा रेडी हो गया। इसके नीचे भी जो हमने फिल्टर लगाया है उसको भी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। जब भी आप फिल्टर लगा लेंगे तो यहां मेरे नीचे के पोर्शन में भी आपको ये टेप हटाना पड़ेगा। जरा इसको रिमूव भी हम कर लेते हैं, और ध्यान रखिएगा इसको जब भी आप रिमूव करेंगे केयरफुली करिएगा, जिससे ये लॉक ना टूटे, आपका ये लॉक ना टूटे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे फायदे तो मैंने बहुत सारे बता दिए हैं आपको, बट एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि कंटेनर्स तो चलिए आप रेगुलर यूज करेंगे, हमेशा यूज करेंगे तो कोई इश्यूज नहीं है, बट यहाँ पे जो कार्टेज है वो एक लिमिट के बाद, एक यहाँ पे जैसे कि एक लिमिट के बाद ये हमेशा से आपके वॉटर के अंदर डिप रहती है। हालांकि कार्टेज समय समय पर आप बदल देंगे वो इश्यूज नहीं है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर कार्टेज किसी इस तरीके से डिजाइन करी जाए जो कि वॉटर में इमर्स ना हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कार्टेज बनी हुई है प्लास्टिक से। हालांकि सीवीसी की नहीं, लगभग सभी की कार्टेज प्लास्टिक से बनी हुई है, मगर ये बाहर की तरफ से चलिए वाटर इतना वो नहीं होगा, बट ये है फिर भी मुझे लगता है कि अगर प्लास्टिक जितना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड हो सके उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहां पे आपको तो ये सेडिमेंट फिल्टर मिलता है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हमेशा इस लॉक को जब भी आप इसमें फिट करेंगे हमेशा ध्यान रखिए केयरफुली करिएगा, क्योंकि अगर ये टूट गया तो आपको फिर स्पेयर लेना पड़ेगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं सिरिंज क्यों दी जाती है। जब भी आप 2-3 महीने 4 महीने यूज कर लेते हैं उसके बाद आपको लगता है कि फिल्ट्रेशन की स्पीड कम हो गई है, तो यहां पे इसमें नीचे से इसको इसमें पानी भर के, यानी सिरिंज में पानी भर के या नीचे से इसमें लगा के और ऊपर की तरफ आप प्रॉपरली पुश कर दीजिएगा, जिसकी वजह से जितना भी मोटा कूड़ा है वो यहां से निकल जाएगा, फिल्ट्रेशन आपकी फिर से दोबारा बेहतर हो जाएगी। तो यहां पे ये जो चीजें इसमें दी हुई है वो काफी बेहतर है। अब समय आ गया है इसकी प्राइस बताने का। तो अगर आप ये फिल्टर परचेज करना चाह रहे हैं, इसका बाय लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पे नीचे दे रखा है, जहां से आप टाटा स्वच्छ का ये प्यूरिफायर अपने घर के लिए परचेज कर सकते हैं। लगभग प्राइसिंग 2500 के आसपास में है, जो कि मुझे लगता है एक वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आप बहुत ज्यादा महंगा प्यूरिफायर नहीं लेना चाहते हो, मैं कहूंगा एक ऐसा प्यूरिफायर लेना चाहते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स लेकर आता है, तो उसके लिए ये काफी ज्यादा अच्छा, और मुझे नहीं लगता है इसका कोई भी कॉम्पिटिटर है सेगमेंट, इस सेगमेंट में, मतलब कि जो आपके ग्रेविटी फिल्टर्स होते हैं उसमें ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। दो चीजों का इंप्रूवमेंट मैं जरूर कंपनी से एक बार खोलूंगा, अगर कोई भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव ये देख रहे हैं तो दो चीजों का ध्यान दीजिएगा। अगर टैप भी अगर आप मेटल का दे दीजिए, भले ही प्राइसिंग थोड़ी ऊपर कर दिए कोई इशू नहीं है, बट टैप भी अगर आप थोड़ा सा मेटल का दे देते तो एक और भी ज्यादा अपन नॉच, क्योंकि टाटा जैसी कंपनी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्पेयर या कोई भी चीज देने में उनको कोई इशू होगी। तो यहां पर अगर टैप भी अगर मेटल का ब्रास का मिल जाता तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता, बट यहां पर प्लास्टिक का भी आपको देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली बात है कि चलिए फिल्टर में तो मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि फिल्टर ऑब्वियसली बात है कि मोल्ड करना पड़ता है तो वो प्लास्टिक का चल जाएगा, बट यहां पे टैप का जो इश्यूज, क्योंकि टैप मुझे लग रहा है कि ठीक है, जैसे बाकी फिल्टर में भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं वही सेम इसमें ही है, बट यहां पे ये चीज अच्छी दी हुई है कि यहां पे उठाने वाला टैप दिया है। बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर मेटल टैप हो तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो बाद में भी आप रिप्लेस करा के यहां पे मेटल टैप खुद से लगवा सकते हैं, बट पैसा एक्स्ट्रा क्यों खर्च करना जब कंपनी को हम रिकमेंड कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने फिल्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा बना रखा है और ये काफी इंडियन हाउसेस में बेहतर चलेगा, बट यहाँ पे जो ड्रॉबैक्स भी है उसको भी मैंने एक प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया है, बट इस रेट सेगमेंट में मुझे काफी बेहतर लगा और मुझे लगा इस गर्मी के सीजन में हर एक घर में एक अच्छा प्यूरिफायर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2500 की रेंज में काफी अच्छे किफायती प्राइस में टाटा आपको ऑफर कर रहा है स्वच्छ वाटर प्यूरिफायर। तो अगर आपको बेहतर लगता है तो नीचे बाय लिंक दिया है जहां से आप इसको ऑल इंडिया के लिए परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।